यो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। लास्ट टाइम बहुत साल पहले ऑलमोस्ट एक दो साल पहले मैं गया था हमारे कबीर वराज पाजी के साथ ऑफ रोडिंग में। तो अगर मैं बात करूँ कबीर पाजी की, तो कबीर पाजी बेसिकली चंडीगढ़ बेस्ड ऑफ रोडर है। ही इज़ अ लेजेंड इन ऑफ रोडिंग गेम। अगर आप ऑफ रोडिंग गेम के बारे में कुछ भी जानते हैं तो कबीर पाजी के बारे में तो आप जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ कभी ना कभी आपने उनके बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे उनके बारे में आर्टिकल्स बहुत सारे, उनका इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं। सो विल गेट टू नो। एंड आज हम जा रहे हैं कबीर पाजी के साथ ऑफ रोडिंग पे दोबारा से बहुत टाइम के बाद। तो मैं और जतिन अभी निकलने लगे हैं पाजी के पास जाने के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हैं, ब्लॉग को शुरू करते हैं। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन अगर ब्लॉग अच्छा लगे, एंड मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। तो शुरू करते हैं। सो राइट नाउ फाइनली आफ्टर ईयर और दो साल मैं भी ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं कहता कई सालों के बाद आज पाजी ने फिर से टाइम दिया है ब्लॉग के लिए। सो पाजी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार रूबीकॉन के लिए। थैंक यू पाजी ने खड़ी है पाजी की प्यारी रूबीकॉन। और आज फिलहाल हम इसके ऊपर ऑफ रोडिंग के लिए चले। और सबसे ज़्यादा पहले कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार और फिर से, आपने बहुत ही बेहतरीन आपने चंडीगढ़ का नाम रोशन किया, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया। और बाकी पाजी को फॉलो कर लो, मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैं तो पाजी को बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, आप सभी भी कर लीजिए। तो पाजी अभी फिलहाल क्या प्लान है ऑफ रोडिंग का, कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ आइडिया दीजिए। यार साढ़े नॉर्मल ट्रैक है, संडे ट्रैक है, डिफिकल्ट ज़्यादा कीता नहीं बिकॉज ज़्यादा ACVs आ रही ने। सो नॉर्मल ट्रैक कर रहे हैं, नॉर्मल मुला वो ट्रैक है साढ़ा ये, एंड नॉर्मल ऑफ रोडिंग। बाकी अंदर जाके देखते हैं क्या क्या होता है। चलो शुरू। ओके सो फिलहाल मैं आपको सभी को अंदर एक बार इंटीरियर दिखा दूँ रैंगलर का। वैसे मैं सोच रहा था पाजी कि हम थोड़ा सा आपकी गाड़ी के बारे में बताएंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को रैंगलर पसंद है बट उनको कुछ पता नहीं है रैंगलर के बारे में। एंड अभी अंदर जाएंगे उसके बाद 4x4 मोड में तो बहुत कम लोगों ने शायद रैंगलर देखी होगी, है ना, मुझे ऐसा लगता है 4x4 मोड में। और आज फुल ऑन 4x4 चलने वाला है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी एक्सपीरियंस कर चुका है ये चीज़। एंड ओके तो भाई हम बात करें अगर इसके इंटीरियर में, तो इसमें कुछ यहाँ पर मोड्स दिए हैं हमारे को अलग अलग, तो कुछ मुझे एक्सप्लेन करेंगे प्लीज थोड़ा सा। मेनली 4x4 ए वाला मोड, दिस इज द गियर। ओके अभी 4x2 पे है, फिर ऑटो एंड पार्ट टाइम, ठीक है, वो हम अंदर जाके, दिस इज ऑटो। ओके इसको इधर करोगे, मोस्टली जब हम ट्रैक पे वी ड्राइव तो वी ड्राइव इन 4x4 पार्ट टाइम, ठीक है। और बाकी ये वाले अगर एक्सट्रीम ऑफ रोड है, कोई रॉक क्रॉल है, बहुत ज्यादा स्टीप है या आर्टिकुलेशन पिट्स हैं, तो हम यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक्स हैं इसके आगे पीछे दोनों, तो ये ऑन हो जाते हैं। क्या बात है। तो अभी फिलहाल फिर चलें फिर पाजी, आज हमारे साथ एक सामने एक और रैंगलर है, तो बहुत सारी वो सही है, दैट इज लिफ्टेड विद 35-inch टायर। अच्छा हाँ वाव, ये क्या बात है। तो उसको भी वहाँ पे ओपन ट्रैक के वहाँ पर जाके दिखाएंगे। सो हियर वी गो, और यहाँ से की जा रही है रूबीकॉन, पीछे पूरा काफला आ रहा है आपको दिख रहा हो। सो पाजी यहाँ पर जो ये ट्रैक है, वैसे ये तो मेरे सामने, मेरे को जहाँ तक मुझे पता है कि आपके सामने सारा ट्रैक तैयार हुआ है, आपने यहाँ पर गाड़ियाँ ले जा के पूरा ट्रैक रेडी किया, तो कुछ आइडिया ये कितने किलोमीटर या कितने एरिया में ट्रैक है। यार पूरा ट्रैक है अराउंड 4-5 kilometers का। ओके एंड हाँ ये है कि तैयार तो हमने किया, क्योंकि जब पहली बार आए थे तो यहाँ कोई भी नहीं होता था, मतलब वी वर द फर्स्ट टाइमर्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इन 2000 आई थिंक 6-7 की बात है। वाह क्या बात है। तो पाजी अभी फिलहाल जो है आपको, मैंने आपसे एक सवाल भी पूछना था, इफ़ यू टॉक अबाउट मोटर स्पोर्ट्स, तो मोटर स्पोर्ट्स का इंडिया में अभी कोई फिलहाल फ्यूचर लगता है आपको, या क्या आपको क्या लगता है कि अभी फिलहाल उतने लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में मोटर स्पोर्ट्स को क्या नहीं। यस एक्चुअली हर स्पोर्ट को टाइम लगता है, तो इस स्पोर्ट को भी टाइम लग रहा है, बट हाँ आपका अब कोविड की वजह से स्लो हो गया था एंड अब काफ़ी फ्यूचर तो है ही है। सो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, जो अभी आप गोवा में थे, सो वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इवेंट के अंदर। RFC का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तभी जीत गए हैं, वन ऑफ द टफेस्ट इवेंट इन द कंट्री। बिल्कुल, और मुझे पता था कि आपको एक बार तो RFC का विनर बनना ही था, तो वो चीज आपका जो एक एम था वो आपने अचीव कर लिया। कर लिया, वो एक टिक था वो रह गया था। हाँ क्या बात, बट तो 7 साल लग गए बट। अरे वाह चलो फाइनली क्या बात। ओके तो यहाँ पे भी शुरू है ये चीज़, तो आप देख सकते हो, और इधर सारा पानी, कल परसों बरसात भी हुई थी तो उसका पानी भी हमें देखने को मिलेगा अभी यहाँ पे ना थोड़ा बहुत। वाह
जब भी मैं पाजी के साथ ऑफ रोडिंग पे आया हूँ तो एक अलग ही मैंने एक्सपीरियंस किया है इस जगह का, और हर बार कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलता है इस जगह पे, है ना पाजी? हाँ। बहुत अनएक्सप्लोर्ड सी जगह है, और हर बार आप कुछ नया नया देखते हैं, नई नई जगह आप लोकेट कर लेते हैं। वो देखो सामने जो है वाइट रूबिकॉन। It was at this moment that he knew he fucked up. अरे अरे क्या ही बात है। जतिन कैसा जा रहा है? जतिन वो देखो गोप्रो साफ कर रहा है, वो सारा गोप्रो जो है मिट्टी में। मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सो मैं अभी उतर के वापस यहाँ पर। हाँ जी क्या हुआ? खुकी होया भाई, कैमरे की हालत देखो। करोगे ऑफ रोडिंग? करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। आओगे? अभी तो शुरुआत है, ये अभी कुछ कोई ट्रेलर है जस्ट, इसके बाद हम अंदर बैठेंगे गाड़ी मूवी का ट्रेलर है ये। अच्छा और गाड़ियाँ अभी निकल रही है। सो बेसिकली ये पोलारिस है लास्ट, अगर आपने कबीर बाजी वाला ब्लॉग नहीं दिखा, आई बटन में आ रहा है, तो मैंने लास्ट ब्लॉग में जो कबीर पाजी की जो है पोलारिस कवर की है, और इस बार तो पाजी के साथ हम रूबिकॉन में है। गोप्रो का सबसे बड़ा सुख कि हम इसको धो सकते हैं, हम इसको पानी से धो सकते हैं बड़े प्यार से। वो भी वाओ गोप्रो के साथ, तो मुझे भी कर दो थोड़ा सा ना यहाँ पानी गिरा। शुक्रिया। मैंने इस लड़के को पहले ही वार्निंग दी थी कि आज हम जो वहाँ जा रहे हैं ब्रो, हम वहाँ से जैसे जा रहे हैं वैसे नहीं आएंगे, ये चीज़ हमें पता थी। फिलहाल हमने स्टार्ट ही किया था, और स्टार्टिंग में ही जो है ज़रूरत आन पड़ी है गाड़ी को, सो रेस्क्यू की। और वैसे पाजी एक इवेंट मुझे याद है, आज से जब मैं पहली बार आपके पास आया था ऑफ रोडिंग पे, तो हम एक इवेंट करवाते थे, आजकल वो इवेंट नहीं दोबारा चंडीगढ़ में दोबारा करवा रहे, जो बेसिकली ऑफ रोडिंग इवेंट यार, जिसमें बेसिकली हमें ट्रैक करना होता है और पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं, याद है? और आप एक साथ थे उस टाइम। नाम सी होगा यार, हाँ ट्रेल ब्लेज। वो अभी आप फिलहाल नहीं करवा रहे दोबारा यार, वो गैप पड़ गया, बट जल्दी कराएंगे नेक्स्ट। हां वो मैं, क्योंकि मैं चाहूंगा कराते हैं, क्योंकि जब भी वो करवाएंगे ना तो उस चीज का हम अपनी ऑडियंस को बताएंगे, अगर हमारी ऑडियंस में से कोई भी ऑफरोडिंग करता है, ऑफरोडर है कहीं से भी आसपास, वो आ सके उस इवेंट में, राइट? डन। क्या बात है। ओके सो यहां पे मैं अभी आपको दिखाता हूं जो है रूबिकॉन जो है आई है रेस्क्यू करने दूसरी कार को। ओके ठीक, थार आ चुकी है। क्या बात है, कैसे भाजी? ओके सो स्टार्टिंग में जरूरत आन पड़ी है। अरे अरे क्या बात है, इतनी आसानी से, इतनी प्यार से, इतनी देर हो गई। देखा कितने प्यार से रूबिकॉन ने गाड़ी निकाल दी। अभी फिलहाल है बारी फॉर्च्यूनर की, लेट्स सी। चलो ये तो बड़े प्यार से निकल गई। ओके सो फिलहाल अभी जो है यहाँ से जो है हम निकल पड़े हैं, और अब अगली मंजिल की ओर जाते हैं, और धीरे धीरे करके जो है शाम भी पड़ रही है, एंड मुझे ऐसा लगता है जब हम वापस आएंगे तो अंधेरा ही होगा पाजी, हर बार की तरह, है ना? हर बार की तरह अंधेरा। तो वैसे हर वीकेंड पे ही आप वैसे OTR करते हैं अरेंज पाजी, है ना? क्या बात है। तो वैसे पाजी के साथ अगर वो लास्ट व्लॉग, एक हमने गरारी ऑफ रोडर्स के बारे में भी बात करी थी लास्ट व्लॉग में, तो अगर वो नहीं देखा तो आई बटन में आ रहा है, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। और अभी तो फिलहाल पीछे सारे एक एक करके सभी निकलने की तैयारी में है। क्या बात है, अभी पाजी थोड़ा स्लो स्पीड में चल रहे हैं, क्या बात यार, उसकी लिफ्टेड है। क्या बात है। तो यहाँ पर मैंने लास्ट वॉक में भी देखा था, फाइनल एक पाजी उन्होंने स्पॉट रखा हुआ है जहाँ पर बिल्कुल वो पहाड़ के ऊपर, वहीं पे हम फाइनल स्पॉट रखते रहे, है ना हर बार पाजी अपना। क्या बात है, तो हर बार क्या हम नए नए इलाकों से निकलते हैं, नए नए रास्ते बनाते निकलते हैं, राइट? ऐसा ही होता है ना यार, मोस्टली यही होता है, बट समटाइम्स रिपीट होते, रिपीट ही है। हाँ, लेकिन दिस ट्रैक इतना, मुल्लापुर जो हमारा ट्रैक है इतना सही है, एवरी टाइम इट रेन्स अलग तरह का ट्रैक बन जाता है, न्यू ट्रैक। हाँ, पानी की वजह से, हवा की वजह से, कुछ भी रीजन की वजह से। क्या बात,
और ये देखा नीचे जो है बहुत ही ज़्यादा एक तो गहराई है जैसे आप देख सकते हो, और दूसरा यहाँ पे आप देखना यहाँ पे सैंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वैसे नहर नदी जिसको हम कहते हैं वैसे मतलब ऐसा कुछ साफ आज यहाँ पे पहले या यहाँ ये बरसाती चो है। अच्छा हाँ, जब भी बारिश पड़ती है या पीछे तो यहाँ से ही जाता है, निकलता है। अच्छा तो यहाँ इसी वजह से यहाँ पे मतलब रेत वगैरह भी हम नीचे देख सकते हैं, सारा सैंडीज है यहाँ पे। हम पोलारिस में मैं पाजी के साथ आया हूँ, यहाँ पे पोलारिस की ब्रेक नहीं लगाते पाजी, मैंने एक चीज देखी है यहाँ इस जगह पे तो पोलारिस जो भाग भगाते हैं ना यार अलग ही लेवल होता है। के मैं तो कबीर पाजी के साथ पहले ऑफ रोडिंग में आया हुआ हूँ, तो ये इसको पूरे पूरे शौक पूरे हो रहे हैं इस चरण के। क्या बात है, तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे पाजी बता रहे थे कि कुछ दिन पहले बिल्कुल ही पानी पूरा भरा हुआ था, राइट पाजी? बिल्कुल। तो उस टाइम भी पाजी आप पानी के अंदर भी गाड़ी को ले जाते हैं, मतलब कैसा रहता है, रिस्क वगैरह लेते हैं इस चीज़ का? यार अगर विद नॉट विद रूबीकॉन उसके लिए जिप्सी है हमारे पास, ऑफ रोडिंग मॉडिफाइड गाड़ी। तो आपके पास टोटल पाजी कितनी ऑफ रोडिंग व्हीकल्स है इस टाइम? यार मेरे पास एक ये हो गई रूबीकॉन है 4x4, एक मेरे पास जिप्सी मॉडिफाइड है जो आरएफसी के लिए यूज करता हूं। जी 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 और केडी है एक पोलारिस। पोलारिस है तो हम किस दिन आपके गैरेज को भी जरूर कवर करना चाहेंगे, क्योंकि गैरेज की मैंने एक फोटो जरूर देखी है, वो बहुत ही अल्टीमेट लगता है। तो उसके अंदर मैं सारी चाहूंगा कि आपकी गाड़ियों के बारे में और सारे व्हीकल्स के एग्जैक्ट मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करें। ठीक है भाई, डन डन। क्या बात है। सो धीरे धीरे करके नीचे उतरते हैं, और ये असलियत में ना इस पूरे व्लॉग में ना आपको जो सिनेमैटिक्स में मज़ा आने वाला है ना, तो थैंक्स टू माय ब्रो जतन जिसने खतरनाक गोप्रो से शॉट लिए हैं। और गोप्रो वालों अगर आप देख रहे हो तो जतन को यार शाउट आउट मांगता है। क्या मांगता है, शाउट आउट मांगता है कि नहीं गोप्रो वालों? गोप्रो रिटर्न मांगता है। हाँ क्या बात है। तो इस गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं जिस गाड़ी में अभी जतन था तो रूबीकॉन के अंदर, पाजी मुझे बताएंगे इसके अंदर हमने बेसिकली क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है? इसमें 2.5 इंच लिफ्ट है। वाओ। इंटरनल बाईपास शॉक्स हैं। क्या बात है। और बाकी टायर्स बड़े हैं, 35 इंच टायर्स हैं। वाओ। सो मतलब मुझे पता लगे कि आप बहुत ही खतरनाक तरीके से आपने इसको मॉडिफाई कराया। कबीर पाजी बता रहे थे कि मॉडिफिकेशन हो तो रूबीकॉन के अंदर ऐसे ही हो। ओके सो फिलहाल अभी पाजी जो हैं अपनी रूबीकॉन को ऊपर लेकर जाने लगे हैं, और ऊपर जो है जतन भाई हमारे हैं। सो अभी आप दो तरफ से जो है शॉट देखेंगे। देख रहे हो आप जो है बेसिकली ऑफ रोडिंग देख सकते हैं क्या है,
ये जो है पूरा ऊपर से मैं आप सीन देख रहे होंगे इस टाइम, ये सारा जो है व्यू है और पूरी चढ़ाई है, ये तरीके से पूरा सीधा पहाड़ है और उसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं ढलानें हैं यहाँ से नीचे भी इधर, और उसके बाद इसको आराम से किस तरीके से मुझे ऊपर चढ़ते चढ़ते साथ चढ़ गए, प्रॉपर एक ट्रैकिंग है इतना ऊपर आना। एंड ओके सो अभी फिलहाल ट्रैक से बाहर आए हैं, थैंक यू सो मच कबीर पाजी। तो कबीर पाजी को मेक श्योर फॉलो करें, और पाजी इसके बाद हम फिर जब भी नेक्स्ट ओटीआर पे जाएंगे तो फिर दोबारा से हम कुछ ना कुछ फन कवर करेंगे। और नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि आपकी जो जीप जो आपने तैयार की हुई ना हम वो लेकर आए, और एक आपके कैरेज का हमने जो ब्लॉग बनाना है वो ऑडियंस को मैंने कहा अपने मुँह से, अपने प्रॉमिस कर देंगे, प्रॉमिस है नेक्स्ट टाइम जो मर्जी, मैं तो फ्री हूँ जब ये चाहे। ये बहुत बड़ा चिंता है, ठीक है गाइस, ओके सो थैंक यू सो मच पाजी, मिलते हैं।